वीना ने? अरे उसने तो कब की यूनिवर्सिटी छोड़ दी है। पता नहीं, बस बैठे बैठे दिल उठ गया था मैडम का पढ़ाई से। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा उठ गया था, भूल गई हो क्या? हाँ वैसे तुमने तो शादी करके मुल्क से बाहर जाना था ना, बीना ने तो शादी भी नहीं करनी थी। मैं कहती थी इसे, कहती थी कि जब तक शादी नहीं हो जाती पढ़ लो, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है, करती अपनी है ये। अगर चची जान को मेरी पढ़ाई का खर्चा बोझ ना लगता तो मैं अपनी एजुकेशन जरूर मुकम्मल करती सानिया। ये मेरी बदनसीबी है कि मुझे चची जान के कहने पर अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। इस पर बेबसी है कि मैं किसी को भी नहीं बता सकती ये बात। सानिया बेटा देखो कौन आया। वीना मेरी बहन, अम्मी कह रही थी ताया जान और ताया जान को अल्लाह मियां ने अपने पास बुला लिया, तुम क्यों नहीं गए उनके साथ? मैं उस वक्त स्कूल में थी, मुझे बताए वो गैर ही चले गए, मुझे भी जाना है उनके पास। ऐसे नहीं कहते बेटा, अब आपका यही घर है, आप हमारे साथ रहेंगी तो मामा पापा जो है ना बहुत खुश होंगे। बीना तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हारे साथ अपने टॉय शेयर करूंगी।